पापा पापा, आज दिवाली है, आप मुझे मिठाई और कपड़े लेने के लिए लेके चलोगे ना? हाँ बेटा चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं मैडम से छुट्टी मांग लेता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे। ठीक है? हेलो मैम, बोलो। गोपाल मैम, वो आज दिवाली था तो छुट्टी चाहिए था। अरे नहीं नहीं गोपाल, आज तो बहुत काम है मुझे और शॉपिंग भी जाना है, तो एक काम करो तुम जल्दी जल्दी आ जाओ अभी। ठीक है मैम। ठीक है। क्या हो पापा, आप मुझे दिवाली के लिए कपड़ा और मिठाई लेने के लिए नहीं लेके चलोगे? नहीं बेटा, आज मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैडम ने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी ड्यूटी से आ जाऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे लेने। ठीक है? ओके पापा। चलो बेटा मैं टिफिन ले लेता हूँ। ओके बेटा, मैं जल्दी आऊंगा फिर चलेंगे। ठीक है? ओके बाय बाय। ओके। आज दिवाली है, आप मुझे मिठाई और कपड़े लेने के लिए लेके चलोगे ना? गोपाल जरा कांदे वाली आयु को ड्रॉप कर देना, फिर हम मार्केट चलेंगे। ठीक है मैम। ओके। अरे गोपाल, वो सामने दिए की दुकान पे रोकना, जरा दिए लेने हैं। ठीक है मैम। आप मुझे दिवाली के लिए कपड़ा और मिठाई लेने के लिए नहीं लेके चलोगे? मैं जल्दी ड्यूटी से आ जाऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे लेने। ठीक है? गोपाल जरा मिठाई की दुकान पे ले लेना, मिठाई लेनी है। अच्छा मैम। मॉल ले लेना, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने थे। जी मैम, लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। गोपाल जरा गाड़ी घुमा लेना, मेरी दोस्त रीमा के घर ले लेना, मुझे पूजा में जाना है।
ठीक है मैम। कब घर पहुंचूंगा, कब बेटी के लिए कुछ लूंगा, वो मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। अरे गोपाल, मुझे लेट हो जाएगा, तुम निकल जाओ, चाबी मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं मैम, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं गोपाल, मैं चली जाऊंगी, तुम चाबी दे दो मुझे, चले जाओ। ठीक है मैम। अरे सुनो गोपाल जी, ये लो, आज दिवाली है ना, बच्चों के लिए कुछ ले लेना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज पता चला त्योहार के दिन बच्चों से दूर रहने की कीमत सिर्फ 100 रुपया है। बेटी के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा, एक तो लेट हो गया, ऊपर से उसके लिए कुछ ले भी नहीं पाया। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली बेटा। अरे बेटा, नए कपड़े? अरे आवा, अंदर आ, फिर बताती हूँ। अरे इतना सब सजा हुआ है। अरे छोटी मैम आप? हाँ गोपाल भैया, हम आपको दिवाली विश करने आए हैं। आप और मेरे घर? और साथ में मैं भी हूँ गोपाल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। मैम ये सब आपने किया? अरे नहीं गोपाल, ये सब आयु का प्लान था। इसका प्लान था कि मैं दिन भर तुमको बिजी रखूं, जिससे ये सब ये कर पाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं दिवाली जैसे त्योहार पे उस इंसान को भूल जाऊंगी, जो पूरे साल मेरे हर दिन को दिवाली की खुशियों भरा जैसे बनाने के लिए मेहनत करता है? ये लो, मुँह मीठा कीजिए। और ये बेटा तुम्हारे लिए। हैप्पी दिवाली मैम। अब इतनी भी बुरी मालकिन नहीं हूँ गोपाल। अरे नहीं मैम, ये तो मेरा फर्ज था ना जी। तो ये मेरा भी फर्ज है कि हम सब आपको मिलके बोले हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, आप मेरे जैसे गरीब के घर आई, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी दिवाली है। थैंक यू, आप आके मेरी बेटी की जिंदगी में नई रोशनी भर दी। आज आप लोगों की वजह से वो कितनी खुश है। मेरे लिए इससे अच्छी दिवाली हो नहीं सकती। थैंक यू मैम। मिठाइयाँ तो हर साल मीठी बनती हैं, क्यों ना इस साल रिश्तों में मिठास घोल दी जाए। क्या कहते हो, भगवान करे हर घर में हो उजाला, आए न कभी कोई रात काली, हर घर में हो हजारों खुशियाँ, हर घर में हो रोशन दिवाली। हैप्पी दिवाली।